हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जीपीटी टेट 15 नवंबर को यानी कल कंडक्ट करवाया गया। इंग्लिश सेक्शन के अलावा सभी सेक्शन हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। इंग्लिश सेक्शन के 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। नो अदर मैन, फिल इन द ब्लैंक्स, रमेश डिड दिस। नो अदर मैन बट रमेश डिड दिस। क्वेश्चन नंबर 32, आई क्राइड, फिल इन द ब्लैंक्स, नोबडी हियर्ड मी। आई क्राइड बट नोबडी हियर्ड मी। क्वेश्चन नंबर 33 to 36, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग होगी ए डबल सी आएगा, ये तो नहीं होगा, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन, ऑप्शन सी एकोमोडेशन। नेक्स्ट स्पेलिंग है क्वेश्चन नंबर 34, पैरेलल, पी ए आर ए डबल एल ई एल, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 35, रेजिस्टेंस की करेक्ट स्पेलिंग है आर ई एस आई एस टी एन सी, रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 36, डायरेक्टोरेट की पहली स्पेलिंग देखिए अगर डी आई आर ई सी टी ओ आर, डायरेक्टोरेट ए टी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस। क्वेश्चन नंबर 37, देर इज अ काउ, फिलिंग द ब्लैंक्स, द फील्ड। देर इज अ काउ इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 38, ही बोस्टेड, फिलिंग द ब्लैंक्स, हिज अकम्प्लिशमेंट यानी सक्सेस। ही बोस्टेड ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, एवरीवन लाफ्ड ऑन एट इन एवरीवन लाफ्ड एट हिम एवरीवन लाफ्ड एट हिम। क्वेश्चन नंबर 40 है, योर पेन इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 41, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ जेंडर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। लैंडलॉर्ड का जेंडर चेंज करेंगे अगर तो लैंडलेडी। क्वेश्चन नंबर 42 से 45, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन बिलो। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड थे पैसिव वॉइस और नरेशन में से। आई नो हिम, उसका ही इज नोन टू मी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज कॉलिंग यू, तो ये ऑलरेडी कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो हु का हो जाएगा बाय होम, इज का हो जाएगा आर, बाय होम आर यू बींग कॉल्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, रामा हेल्प्स हरी, यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट में है, हरी इज हेल्प्ड बाय रामा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, क्विनीन इज बिटर व्हेन टेस्टेड, ऐसे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे बेटर दिया है, आई होना चाहिए था। अब देखना होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऐसे तो ये बन रहा है क्विनीन इज बिटर व्हेन टेस्टेड, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 46 to 49, चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। पहला वर्ड दिया है फनी, फनी का सिनोनियम सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड होगा फनी, फनी का सिमिलर यानी सिनोनियम होगा ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर 47, डिसाइपल का सिनोनियम होगा फॉलोअर या स्टूडेंट, ओके ऑप्शन सी स्टूडेंट। एडमिट का सिनोनियम होगा कॉन्फेस, इजी आए थे, ये सारे रिपीटेड है। अवफुल पहले भी एक एचपी जेबीटी टेट में पूछा गया है, अवफुल 2020 या 2021 टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अवफुल का होगा टेरेबल, सिनोनियम टेरेबल।
नंबर 50, 50 से 52, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे आर्टिकल चूज करने हैं। ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स एम ए, ही इज एन एम ए, ही इज एन एम ए। क्वेश्चन नंबर 51, कालिदास इज फिलिंग द ब्लैंक्स शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। 42, अ डॉग इज फिलिंग द ब्लैंक्स फेथफुल एनिमल। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पहला दिया गया है, ही सेड टू मी प्लीज गो देयर। ही सेड टू मी प्लीज यानी रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54, यू सेड टू मी ही इज माई फ्रेंड। यू सेड टू मी, यू सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, यू टोल्ड मी दैट ही वॉज योर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 55, ही सेड आई डिड इट। ही सेड का सेड ही रहेगा, ही सेड दैट ही हैड डन इट, ही सेड दैट ही हैड डन इट। क्वेश्चन नंबर 56, ही सेड हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज ये ऐसे ही रहेगा। ही सेड दैट हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, टोल्ड नहीं आएगा। ही सेड दैट हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 to 60, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल। यहाँ पे एंटोनियम बताने हैं उल्टे। वर्ड दिया गया है मैलिस, मैलिस का उल्टा होगा गुडविल। हेट रूड ये इसके सिनोनिम है, एंटोनियम होगा गुडविल अपोजिट। अगला है क्रूअल, क्रूअल का अपोजिट बताना है, क्रूअल का अपोजिट होगा काइंड दयालु, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, बोरो, बोरो का सिनोनियम होगा यहाँ पे, सिनोनियम टेक है लेकिन इसका अपोजिट पूछा है तो अपोजिट होगा बोरो का लेंड, ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन है कैप्टिविटी, कैप्टिविटी होता है यानी एक टाइप का कैद करना। ओके, कैप्टिविटी का अपोजिट होगा यहाँ पे देखिए कस्टडी डिटेंशन, ये तो इसके सिनोनियम है, अपोजिट होगा फ्रीडम, ऑप्शन ए। ओके सो दैट्स इट। क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम के। अगर आपका किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज में पूछ सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है कोई भी डाउट है। एंड इंस्टाग्राम व्हाट्सएप टेलीग्राम इनका लिंक आपको वीडियो की फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी फॉलो कर लें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।